निस्वार्थ भाव से ही दान पुण्य करे। एक गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहां का ठाकुर बड़े ही परोपकारी व्यक्ति था। उसके पूर्वजों की सजा उसको मिल रही थी। उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। उसका एक बेटा था जो इस जगत को देख नहीं सकता था, पर ठाकुर को उस परमात्मा पर पूरा विश्वास था कि प्रभु की कृपा से एक दिन उसका बेटा सही हो जाएगा। वह इस सोच से पुण्य दान करता था कि कभी न कभी प्रभु की कृपा रहेगी। ऐसा ही करते कुछ साल बीत गए। अब ठाकुर को चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। उसकी चिंता दिन पर दिन खाई जा रही थी। तभी स्वर्गलोक में नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु ये क्या, आप कितने निर्दय हैं, आपको उस मानव की सहायता क्यों नहीं करते, वो रोज पुण्य दान करता है फिर भी आप उसे कष्ट दे रहे हो, आप बड़े ही स्वार्थी हो, आपको उसका दुख नहीं दिखता है क्या। तब ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, इसमें मेरी क्या स्वार्थी नारद मुनि। तब नारद मुनि शिव जी के पास जाते हैं और वही बात शिव जी से भी कहते हैं। तब उनकी बात सुनकर शिव जी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, इंसान स्वार्थी है। ये बात सुनकर उन्हें और गुस्सा आया और वह वहाँ से विष्णु जी के पास आए और अपनी बात बताई। तब विष्णु जी बोला, जिस दिन ठाकुर निस्वार्थ पुण्य करेगा मैं उस दिन से उसकी परेशानी खत्म कर दूंगा। नारद जी बोले, प्रभु वो रोज पूजा पाठ करता है, दान करता है, फिर भी आप कहते हैं ये स्वार्थ है, तो इस प्रकार जगत में सभी स्वार्थी है। तब विष्णु जी बोले, हाँ। नारद जी बोलते हैं, तब तो ठाकुर की परेशानी का कोई हल नहीं, उसका दान पुण्य सब बेकार है। विष्णु जी कहते हैं, जब ठाकुर निस्वार्थ काम करेगा तब सब अपने आप सही हो जाएगा। प्रभु नारद से बोले, तुम धरती लोक पर जाओ और खुद ठाकुर की परीक्षा लो। नारद जी धरती पर जाते हैं। वह एक बच्चे का रूप लेते हैं, भूखा नंगा सा रूप लेके ठाकुर के गांव पहुंच जाते हैं। एक दिन ठाकुर मंदिर जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। तब बच्चे बोलता है, बाबूजी भूख लगी है, कुछ दो खाने को। ठाकुर को उस बच्चे की हालत पर तरस आता है और वो उसे पूजा के लिए जो प्रसाद बनाया था उसे दे देता है। बिना पूजा किए घर लौट जाते हैं। उस बालक को भी घर ले आते हैं और उसे अपने साथ हवेली में रहने देते हैं। अब ठाकुर उस बालक को अपने बेटे जैसा पालने लगता है। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन रात में नारद जी ठाकुर के सामने प्रकट हुए। बोला, ठाकुर मैं तुम्हारी सेवा में खुश हुआ, कोई एक वरदान मांगो। ठाकुर के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, मैं कितना स्वार्थी था, प्रभु आप नहीं जानते, जिस दिन आप मुझे भूखे मिले थे सिर्फ उस दिन मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं था, उसी रात को मेरे बेटे की आंखों में रोशनी आ गई थी, मैं ये बात किसी को नहीं बताई, आज भी मेरा बेटा उसी हालत में अपने कमरे में है, बस मैं तो बिना स्वार्थ के आपकी सेवा कर रहा था। यह जानकर नारद जी बड़े हैरान में पड़ गए कि आखिर ये चमत्कार किसने किया। फिर भी नारद बोले, आप मुझसे कुछ वरदान मांगो। तब ठाकुर बोलता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे घर को रोशन कर दीजिए। नारद जी वहाँ से विदा लेकर स्वर्गलोक में आ जाते हैं। विष्णु शिव और ब्रह्मा जी के एक साथ देखकर हैरान में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु आपने मुझे जिस दिन धरती पर जाने को बोला उस दिन उसने ठाकुर की इच्छा पूरी कर दी, क्या उस दिन वह स्वार्थी नहीं था। तब विष्णु जी बोले, उस दिन जब तुम ठाकुर के पास भूखे गए थे तब ठाकुर ने बिना स्वार्थ तुमको भोजन कराया, ये पुण्य से कम नहीं था। मैं यही चाहता हूँ कि बिना स्वार्थ कोई किसी की मदद करे। तब शिवजी बोलते हैं, हे मुनि आपने तो उसी दिन उसे वरदान दे देना चाहिए था जब उसने आपको भोजन कराया, आपने तो कई वर्ष लगा दिए, क्या आप स्वार्थ से परिचित थे,
नारद मुनि बोले, प्रभु आपकी माया से मैं अपरिचित हूँ। आपने मुझे बोला था ठाकुर की परीक्षा लो, आप तो मेरी भी परीक्षा ले रहे थे। तब ब्रह्मा जी बोले, स्वार्थ का मतलब होता है केवल अपने लाभ की बात सोचना, दूसरों की लाभ और भले की बात नहीं सोचना, सही मायने में ही स्वार्थी है, अत्यज्ञ ज्ञानी है, जिसे भगवान से अपना लक्ष्य सिद्ध करने का लक्ष्य बनाया है वो भगवान संबंधी स्वार्थी है। यह कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।